पाकिस्तान का भी आयरलैंड और फिर उसके बाद इंग्लैंड का टूर है, उसके वजह से अनाउंसमेंट और फिर उसके बाद जो है ट्रेनिंग के वजह से क्या कहेंगे? बस ये ट्रेनिंग कर रहे थे और 9-10 इनका हुआ है, टेस्ट हुआ है अपना फिटनेस टेस्ट, तो इंशाल्लाह कल ये टीम अनाउंस हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, कल एक सेशन है मॉर्निंग, उसके बाद टीम अनाउंस करेंगे। अच्छा, यासर सीनियर लेग स्पिनर इंजर्ड हो गया, उसके बाद इंजर्ड हुए, तो कितना बड़ा नुकसान और कितनी कमी होगी और उसकी रिप्लेसमेंट? पिछले 2 साल से यासर ने बॉलिंग को बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है पाकिस्तान की फतवात में, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो लेकिन काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस बुलाए हुए कुछ, तो देख रहे हैं। और दूसरा ये कि अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई, कराची के भी मैदान आबाद हो गए, तो क्या कहेंगे इसका क्रेडिट किसको जाएगा और फिर उसके बाद आगे किसका इम्कान है कि मतलब कौन सी बड़ी टीम? नजम सेठी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, लोगों के लिए, जो यहाँ पे क्रिकेट आना शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि और मज़ीद टीमें आएँगी, और अगले साल जो PSL के 50% मैच यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे ग्राउंड, तो अभी जो मैचेज हुए हैं उसमें आपने देखे ये ग्राउंड का कि वो कितने इन्वॉल्व थे और कितने पुरजोश थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्राउड ने सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट को। यंग लॉट में इस दफ़ा हुसैन तल्लत अच्छा जो है ना वो आपके पास से हमारे पास जी बिल्कुल, हुसैन तल्लत और आसिफ अली दोनों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमें उस जगह पावर इंटरेस्ट चाहिए।